जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए सुनते हैं संतान की लंबी उम्र के लिए रखा जाने वाला गोवत्स द्वादशी की कथा। इस दिन गाय के दूध और गेहूं से बने उत्पादों का प्रयोग वर्जित है। कटे हुए फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। गोवत्स की कथा सुनकर ब्राह्मणों को फल देना चाहिए। आइए जानते हैं गोवत्स द्वादशी तिथि, व्रत कथा एवं महत्व। गोवत्स द्वादशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मनाया जाता है। गोवत्स द्वादशी को नंदिनी व्रत के रूप में भी मनाया जाता है। नंदिनी हिंदू धर्म में दिव्य गाय है। इस दिन गाय के बछड़े की पूजा करने का विधान है। पूजा करने के बाद उन्हें गेहूं से बना भोजन खाने को देना चाहिए। इस दिन गाय के दूध और गेहूं से बने उत्पादों का प्रयोग वर्जित है। कटे हुए फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। गोवत्स की कथा सुनकर ब्राह्मणों को फल देना चाहिए। आइए जानते हैं गोवत्स द्वादशी की व्रत कथा। द्वादशी तिथि आरंभ 9 नवंबर 2023 प्रातः 10:40 से, द्वादशी तिथि समाप्त 10 नवंबर 2023 दोपहर 12:35 पर। मान्यता है कि इस दिन पूजा पाठ करने से भगवान कृष्ण बेहद प्रसन्न होते हैं और संतान की हर संकट से रक्षा करते हैं। यही नहीं, निसंतान को संतान सुख का भी आशीर्वाद मिलता है। मान्यता है कि गाय में 84 लाख देवी देवताओं का वास होता है और जो लोग गोवत्स द्वादशी पर गायों की पूजा करते हैं उन्हें सभी 84 लाख देवी देवताओं का आशीष मिलता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद इसी दिन गौ माता का दर्शन कर उनका पूजन किया था। तभी से द्वादशी के दिन गाय और बछड़े दोनों की पूजा करने की परंपरा शुरू हुई। ऐसे में इस दिन व्रत रख गाय बछड़े की पूजा करने से जीवन में खुशहाली बनी रहती है। मान्यता है कि जो लोग इस दिन गाय बछड़े की पूजा करते हैं उन्हें गौ के शरीर के रोगों के बराबर सालों तक गोलोक में वास करने का सौभाग्य मिलता है। इसके अलावा श्री कृष्ण की कृपा से निसंतान को संतान सुख और तरक्की का आशीर्वाद मिलता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हिंदू धर्म में गौ माता में समस्त तीर्थों का मेल होने की बात कही गई है। कार्तिक मास में पड़ने वाले इस त्योहार को गोवत्स द्वादशी या बछबारस के नाम से जाना जाता है। यह पर्व प्रतिवर्ष जन्माष्टमी के 4 दिन पश्चात यानी भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की द्वादशी तथा दीपावली के पूर्व कार्तिक कृष्ण द्वादशी पर मनाया जाता है। इस बार 9 नवंबर 2023 दिन गुरुवार को मनाया जा रहा है। इस व्रत में माताएं पुत्र की दीर्घायु की कामना से गाय और बछड़े की पूजा करके यह व्रत रखती हैं। मान्यता अनुसार इस दिन गाय बछड़े की पूजा करने से समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। बछबारस की प्रचलित कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक साहूकार अपने 7 बेटे और पोतों के साथ रहता था। उस साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया था, लेकिन कई सालों तक वो तालाब नहीं भरा था। तालाब नहीं भरने का कारण पूछने के लिए उसने पंडित को बुलाया। पंडित ने कहा कि इसमें पानी तभी भरेगा जब तुम या तो अपने बड़े बेटे या अपने बड़े पोते की बलि दोगे। तब साहूकार ने अपने बड़ी बहू को तो पीहर भेज दिया और पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी। इतने में गरजते बरसते बादल आए और तालाब पूरा भर गया। इसके बाद बछबारस आई और सभी ने कहा कि अपना तालाब पूरा भर गया है, इसकी पूजा करने चलें। शाहूकार अपने परिवार के साथ
तालाब की पूजा करने गया। वह दासी से बोल गया था, गेहुला को पका लेना। शाहूकार के कहे अनुसार गेहुला से तात्पर्य गेहूं के धान से था। दासी समझ नहीं पाई। दरअसल गेहुला गाय के बछड़े का नाम था। उसने गेहुला को ही पका लिया। बड़े बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब पूजने आ गई थी। तालाब पूजने के बाद वह अपने बच्चों से प्यार करने लगी। तभी उसने बड़े बेटे के बारे में पूछा। तभी तालाब में से मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला, माँ मुझे भी तो प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास ने कहा, बच बारस माता ने हमारी लाज रख ली और हमारा बच्चा वापस दे दिया। तालाब की पूजा करने के बाद जब वह वापस घर लौटी तो देखा बछड़ा नहीं था। शाहूकार ने दासी से पूछा, बछड़ा कहाँ है? तो दासी ने कहा कि आपने ही तो उसे पकाने को कहा था। शाहूकार ने कहा, एक पाप तो अभी उतरा ही है, तुमने दूसरा पाप कर दिया। शाहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया। शाम को गाय वापस लौटी तो वह अपने बछड़े को ढूंढने लगी और फिर मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी में से बछड़ा निकल गया। साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने गया। उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरी गांव में यह बात फैलाई कि हर बेटे की माँ को बछबारस का व्रत करना चाहिए। हे बछबारस माता, जैसा साहूकार की बहू को दिया वैसे हमें भी देना। कहानी कहते सुनते सभी की मनोकामना पूर्ण करना। कहानी कही मतांतर से कथा में यह जिक्र भी मिलता है कि गेहुला और मुगला दो बछड़े थे जिन्हें दासी ने काट कर पका दिया था। इसलिए इस दिन गेहूं, मूंग और चाकू तीनों का प्रयोग वर्जित कहा गया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।